एक बार फिर आ गया उत्तराखंड में। तो कल हम पहुँचे थे यहाँ रात को, तो एक होटल में हम देहरादून में रुके थे। तो आज सुबह जल्दी जल्दी तैयार होके हम पहुँच गए हैं ये परेड ग्राउंड पर, और यही से हम जाने वाला है। हमारा बड़ा भाई साहब आ गया है फिर से। अब देखिए नमस्ते, ये बहुत बेचैन हो रहा है अभी। हम आगे जाने वाला है गोमुख तपोवन, तो यहाँ से हमने एक गाड़ी ले लिया सीआर में, 400 रुपये पर पर्सन किराया। और बस भी मिल जाती है उस साइड में, बहुत सारे बस खड़े हैं और सुबह बहुत सारे बस निकल भी गए हैं। तो बस का किराया 300 रुपये से स्टार्ट है। और भी गाड़ी आगे पीछे मिलेंगे दोपहर तक, आपको गाड़ी बहुत सारे गाड़ी मिलते रहेंगे। उत्तरकाशी किसी भी टाइम पे जा सकता है, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। ओम नमस्कार। এখানে অসংখ্য সব আপেলের বাগান আছে, আর রাস্তার ধারেই সব কিনতে পাওয়া যায়। আর দাম তুলনামূলকভাবে একটু বেশি চাইছে, তাই আমরা কিনছি না, আগে যেয়ে দেখবো যদি পারি কিনবো। दोस्तों, हम लोग अभी हरसिल गांव का बीच में खड़ा है, और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब सही सलामत है और भगवान सबको अच्छा रखें। और ये हरसिल गांव का बीच में से हम बात कर रहे हैं। अभी अभी हम लोग उत्तरकाशी से आकर के गाड़ी से यहाँ से उतरा, और देखिए ये जगह कितना खूबसूरत है। इस गांव का चारों साइड ऊंचा ऊंचा पर्वत से घिरा हुआ, कितना खूबसूरत। इस पर्वत के ऊपर जो ना पेड़ का जो लेआउट है, वो भगवान खुद आकर के लगा के गया होगा। और देखिए कितना खूबसूरत है, और इनका नज़दीकी है मिलिट्री एरिया, पूरा मिलिट्री से घिरा हुआ ये जगह। और इनका नज़दीक है इस साइड में है भगोरी गांव है। तो बहुत ही खूबसूरत एक गांव है हरसिल, जो कि गंगोत्री जाने के रास्ते में पड़ता है। यहाँ से गंगोत्री और थोड़ी दूर रह जाता है, लगभग 25 किलोमीटर। तो आज हम यही ठहरेंगे और रात को भी यही रुकेंगे। तो ये है जन्नत। Thank you.
हल्दी, एक है ताजी, दूसरा एक है पका हुआ। जो पका हुआ है उनसे बीज निकाला जा रहा है, वो एक्चुअल में पहाड़ी राजमा है। अभी माता जी निकाल रहे हैं उस राजमा को, और जो कच्चा वाला है उसको सब्जी बनाएंगे। हरसिल में आने के बाद बगोरी जो गांव दिखाई दे रहा है, ये सामने जो विलेज है बहुत ही खूबसूरत विलेज है, और यहाँ बहुत सारे होम स्टे भी है। तो हमने एक होम स्टे में सामान वगैरह रख करके दोपहर का खाना खा करके तो यह टहलने के लिए निकला है। तो गांव के अंदर से घूमते हुए हम आया है भागीरथी नदी के किनारे में एकदम रिवार बेड के करीब। तो यहाँ से जो नज़ारा है देख ही पा रहे होंगे कितना खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। और यहाँ से तो जाने का मन ही नहीं कर रहा है, मैं तो चाह रहा हूँ दो चार दिन यहीं रुक जाऊँ। और ये हरसिल वैली के अंदर राज कपूर साहब ने राम तेरी गंगा मैली वो फिल्म किया था, और मंदाकिनी के साथ उस फिल्म का शूटिंग जो है ना वो थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। उस आगे जा करके उस जगह पर जो पानी निकाल के नीचे आ रहा है पहाड़ी के ऊपर से, उसी जगह पर शूटिंग हुआ था। तो ये जगह बहुत प्रख्यात है और सभी का मन लुभाने वाला है। आप लोग भी आइए और इनका खूबसूरती देखिए और मजा लीजिए। हाँ, अगर यहाँ आना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीका है। आप किसी प्रकार देहरादून से उत्तरकाशी आ जाएंगे, तो उत्तरकाशी आने के बाद वहाँ से गाड़ी डेली सुबह चलती है बस, उसके बाद छोटा गाड़ी, किसी भी गाड़ी में बैठ के आप यहाँ उतर जाइए। हरसिल से यहाँ से 25 किलोमीटर और रह जाता गंगोत्री। तो गंगोत्री जाने से पहले हरसिल एक बार रुक करके देख लीजिए कितना शानदार जगह है। और होम स्टे भी बहुत रिजनेबल प्राइस है। हम लोगों ने जो रूम लिया, तीन आदमी रहने का बंदोबस्त है, 1000 रुपया, और खाना पीना क्या बताऊँ, वो तो जितना भी तारीफ करो कम ही होगा। पूरा देसी खाना, दोपहर का जो खाना खिलाया गया इतना स्वादिष्ट था, वो तो मेरा भाषा ही नहीं बोलने का। रात को भी उतना ही बढ़िया होगा। जो आंटी है होम स्टे का, तो आंटी बहुत ही खुश मिजाज की, बहुत ही हंसमुख है,
और उस होम स्टे का नाम भंडारी होम स्टे, उसका मोबाइल नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आप कभी भी गंगोत्री आते हो तो एक बार हर्षिल जरूर घूमिएगा। धन्यवाद। पीछे जो पहाड़ दिख रहे हैं यह सुखी विलेज, इस पहाड़ी के ऊपर है सुखी विलेज। यहाँ का बहुत ही मशहूर विलेज है कि यहाँ पे बहुत ही अच्छे किस्म का एप्पल उगाया जाता है, जो हम लोग आते वक्त जब हम रास्ते में काशी से आ रहे थे तो अब रास्ते में बहुत सारे दुकान मिले हैं, वहाँ से हमने खरीदा है ग्रीन एप्पल जो कि 100 रुपया किलो है। आपको कहीं दुनिया में कोई भी ग्रीन एप्पल, इतना बड़े बड़े एप्पल जो 100 रुपये में मिला है वो कोई नहीं मिलेगा। और वो पहले उगता है, मतलब सीजन शुरू होता है यहाँ से एप्पल का सीजन, दुनिया में और कहीं इतना जल्दी एप्पल उगता ही नहीं, फलता ही नहीं। तो जो बगोरी गाँव में हम लोग जहाँ ठहरे हुए हैं जो होम स्टे में, वो आसपास में बहुत सारे एप्पल का बगीचा है और बहुत फल लगा हुआ है। कोई किस्म के एप्पल है यहाँ पे, उनका नाम तो हमें नहीं पता। ये देखो सामने भी एप्पल है, गोल्डन है, कोई तरह के एप्पल है। माँ गंगा मैया, हम आगे का यात्रा करने वाला है गोमुख से तपोवन, तो आप लोगों से प्रार्थना है हमें आशीर्वाद दीजिए। मेरे बुजुर्ग भाई साहब हमारे साथ चल रहे हैं, इनका उम्र है चल पाए 67 और मेरा है 61 और मेरा लड़का मेरा साथ में है, तो तीन लोग हम जा रहे हैं बहुत उम्मीद लेकर के। आखिरी जगह तक जाना है, मतलब तपोवन तक जाना है गोमुख होकर। सारे वीडियो हम लोग यूट्यूब में डालेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को स्क्रिप्ट मत करिएगा, पूरा देखिएगा, अच्छा लगेगा। धन्यवाद। जय। तेरी गंगा मैली फिल्म शूट किया गया था और मंदाकिनी का नाते हुए जिस दिन शूट किया गया था, इसी नहर पे शूट किया गया था। अभी तो बहुत इसका बदलाव हो गया, शूट खुल गया, तो आगे थोड़ा यहाँ से आगे जाने के बाद वो फिल्म शूट हुआ था।